मॉम्स एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए आपने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, और वो टॉपिक है कि हम कबीर के टॉयज, बेबी टॉयज जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो सारी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में, प्लस आपको प्रॉपर एक डेमो भी करके दिखाएंगे कि हम वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आएगा तो प्लीज लाइक बटन हिट करके हमें एनकरेज जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नीचे रेड बटन को हिट करके। बट उसके साथ अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। तो ये दोनों करना साइमल्टेनियसली बहुत जरूरी है। और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करो अगर आपको हमारी बहुत अच्छी पिक्चर्स जो है वो देखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। If you are an English viewer, then the English version of this topic will be posted on our channel tomorrow. So, demo में जाने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। So, baby toys को कैसे organize करें? I'm sure ये हर parent का question होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनके जो toys की quantity होती है वो भी बढ़ती ही जाती है। उनको gifts मिलते हैं, हमें as parents उनको different toys ला के देना अच्छा लगता है। एक certain age तक हमें ये भी नहीं पता होता कि बच्चे का interest किस particular toys वगैरह में ज़्यादा है, इसलिए हम उसके लिए बहुत कुछ लाते रहते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है। हम बच्चे को एंगेज करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टॉयज़ और गेम्स वगैरह बच्चों के लिए लाते हैं। तो बेसिकली जो शुरू के साल होते हैं उसमें जो टॉय स्टैक होता है बच्चों का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, और वो जो टॉय स्टैक है वो डेफिनेटली कम हो जाता है। तो इस इनिशियल ईयर्स में क्या क्रिएटिव वेज निकाल के, बजट फ्रेंडली बना के, स्पेस को सही तरह से यूटिलाइज करके हम बच्चों के टॉयज को कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये हमारा भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और उसी का सॉल्यूशन हमने निकाला और हम उस सॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। हम क्या करते आए हैं, और काफ़ी टाइम से आप हमारे ब्लॉग्स वगैरह में भी देख रहे होंगे, इसीलिए इतने लोग क्वेश्चंस भी इस चीज़ को लेके पूछते हैं। तो बेसिकली हम अमेजोन से बहुत सारा सामान जो है अपना ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। इनफैक्ट घर की भी काफ़ी चीज़ें हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं। तो अमेजोन का जो बॉक्स आता है जिसमें सामान आता है उसको क्रिएटिवली कैसे यूटिलाइज किया जाए उसका तरीका हमने निकाला, और उसको हमने यूज़ करके कबीर का जो एक टॉय बॉक्स जिसे होते हैं वो बनाया। और ऐसे बॉक्सेस हम मल्टीपल बनाते गए जिसमें कबीर के डिफरेंट टॉयज जो है हम वो ऑर्गेनाइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। तो जैसे जैसे टॉयज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे बॉक्सेस ऐड होते जाते हैं, और जैसे जैसे टॉयज कम होते जाते हैं हम उन्हीं बॉक्सेस को यूटिलाइज करके पैक करके रख देते हैं। तो ये दोनों तरीकों से हमें काफ़ी काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, बिकॉज आइडियली हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना पड़ा जो टॉय स्टेशन है उसको बनाने के लिए। और वो मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि जो टॉय स्टेशन वगैरह होते हैं उसमें शार्प एजेस होने की वजह से या हाइट अलग होने की वजह से गिरने के चांसेस रहते हैं, बच्चे को लगने का चांस रहता है। क्योंकि ये अमेजोन के बॉक्सेस कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि बच्चे को लग जाएगा। प्लस इनकी जो लेंथ है वो इतनी लेंथ है कि कबीर इजीली, जब वो छोटा भी था, क्रॉल भी करता था, तब भी उसमें झांक के उसमें से जो टॉय उसे चाहिए होता था वो निकाल लेता था, और अब तो इजीली उसको जो भी चाहिए वो वहां से निकाल लेता है। और इसमें ये भी चीज़ होती है क्योंकि जब आप एक रैक लेते हो तो आपके पास एक सर्टेन स्पेस होता है, इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको जितनी स्पेस चाहिए आप अपने डब्बे जो है वो बढ़ाते रहो। तो ये ऑप्शन भी आपके पास होता है कि जो टॉयज आप अंदर रखना चाहते हो ये सोच के कि मेरा बच्चा शायद इससे खेल नहीं रहा है, उन टॉयज को आप वहीं रहने दे सकते हो, आपके पास स्पेस की कभी कमी नहीं आएगी। और आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि बच्चों के साथ ये जो चेंजेस होते हैं कि अब एकदम से उनको वो टॉय जो आप 4 महीने पहले लाए थे जो उनको पसंद नहीं आ रहा था वो पसंद आने लग गया है, वो यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। वर्सेस अ सिचुएशन जहां आपने उसको पैक कर दिया है सोच के कि बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है तो बच्चा उसे दोबारा कभी देखता ही नहीं है, और आपकी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ वाइल नहीं होती है, और बच्चा भी कहीं ना कहीं मिस आउट कर देता है ऑन प्लेइंग। बिकॉज ऑब्वियसली एज पेरेंट्स हमारी भी लर्निंग होती है बच्चों के साथ कि किस एज में उनको क्या पसंद आएगा, क्या पसंद आ रहा है। तो वो चेंजेस मैंने कबीर के साथ भी बहुत देखे हैं कि जो टॉयज हम उसके लिए एक सर्टेन एज पे लाए थे वो उसने उसके साथ नहीं खेला, बट कुछ टाइम बाद उसको वो ही टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गए। तो दैट वेज मुझे लगा कि जो हमने पूरा प्रोसेस सेटअप किया, जो आइडिया हमने लगाया वो काफ़ी हमें काम आया, क्योंकि चीज़ें हमेशा उसके सामने थी और उसकी एज के अकॉर्डिंगली जब उसको चीज़ों में इंटरेस्ट आया वो चीज़ों को यूज़ करके खेलने लग गया। बट मैं फिर भी ये बात बोलूँगी कि टॉयज़ जो है ये बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। कुछ पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेमोरी होती है बच्चों की एसोसिएटेड उनके साथ, उन्हें उसको काफ़ी फैंसी करना अच्छा लगता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, आई एडमायर दैट इन फैक्ट, मतलब ऑब्वियसली दिस इज आवर चांस टू लव एवरी थिंग दैट आवर किड हैज़ लव।
बट मैं आपसे इस वीडियो में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और एक बहुत ही बजट फ्रेंडली तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे अगर आपको आइडिया लेना हो तो आप वो आइडिया डेफिनेटली लें और उसे अप्लाई करना चाहें तो डेफिनेटली करें। हमारा करंट जो टॉय स्पेस है वो 3 अमेज़न बॉक्सेस में डिवाइडेड है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये बॉक्स बढ़ जाएंगे तो वो हम आगे देखेंगे, बट अब मैं ट्रांसफर करूंगी सौरभ को हु इज वेरी क्रिएटिव एंड ही केम अप विद दिस आइडिया एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम। तो सौरभ से ही सुनते हैं कि ये बैकअप बॉक्सेस बनते कैसे हैं और ये यूज कैसे होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये टॉय बॉक्स बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सामान है ये अमेज़ॉन का पैंट्री बॉक्स। जब भी आप पैंट्री से सामान मंगाते हैं तो आपको ये बॉक्स में सामान आता है, और साथ में हमने लिया है एक बड़ा सेलो टेप, एक सीज़र, फेविकॉल और एक पतला सेलो टेप, और साथ में हमने लिया है ये गिफ्ट रैपिंग पेपर जो अलग अलग कलर, अलग अलग शेप, डिज़ाइन में आपको मिलता है, और इसका प्राइस जो है 10 रुपये से लेके 40-50 रुपये तक का होता है। तो अब देखते हैं कि ये बॉक्स जो है वो बनता कैसे है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स पूरा खाली है। सबसे पहले स्टेप में हमें इसके साइज़ जो हैं वो फोल्ड करके इसको रैप करना है। तो आप सेलो टेप लीजिए अपना बड़ा वाला, और जो ये साइड्स हैं जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में हमने सेलो टेप लगाया, और ये सेलो टेप जो है ये चारों साइड्स को कवर करते हुए इस बॉक्स को हमने हाफ साइज़ में, सारे इसके जो पैनल्स हैं वो फोल्ड करके इसको हाफ साइज़ में कर दिया। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो साइज़ आपका बन जाता है वो अप्रोप्रिएट है, एक बच्चों के हाइट के हिसाब से, और दूसरा आपको भी इजी होगा टॉयज़ निकालना और उसके अंदर वापस रखना, और टॉयज़ जो हैं वो ऊपर से विजिबल भी होंगे जो आपको बाद में दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स जो है वो रेडी हो चुका है, और हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जिसमें इस बॉक्स को हम रैपिंग पेपर में रैप करेंगे। रैपिंग पेपर को लगाने के दो तरीके हैं, आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं और आप डायरेक्ट सेलो टेप से भी लगा सकते हैं। फेविकॉल इसलिए यूज़ होता है क्योंकि कुछ गिफ्ट रैपिंग पेपर्स होते हैं जो सेलो टेप से अच्छी तरह चिपकते नहीं हैं, या फिर कुछ सेलो टेप होते हैं जो अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली इसको चिपकाते नहीं हैं। तो ये चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है, मैं आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने ये फेविकॉल लिया और फेविकॉल को ये चारों साइड्स में आपने अच्छी तरीके से लगा दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि फेविकॉल लेके मैंने अमेज़ॉन बॉक्स के एक पर्टिकुलर साइड में जो चारों कॉर्नर्स हैं उसमें अच्छी तरीके से इस फेविकॉल को मैंने लगा दिया, और आगे के प्रोसेस में इस फेविकॉल लगे हुए पार्ट के ऊपर मैं अपना गिफ्ट रैपिंग पेपर जो है वो चिपकाऊंगा। अब हम एक गिफ्ट रैपिंग पेपर लेंगे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो फेविकॉल लगा हुआ साइड है उसके ऊपर गिफ्ट रैपिंग पेपर को अच्छी तरीके से चिपका देंगे, और ऊपर और नीचे की तरफ इक्वल क्वांटिटी में पेपर जो है वो छोड़ देंगे, वो मैं बताऊंगा आपको किस लिए बाद में। अब ये जो गिफ्ट रैपिंग पेपर का साइड है उसको हम जो पतला वाला टेप है और डिस्पेंसर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो टेप डिस्पेंसर लेके अच्छी तरीके से इसकी टेपिंग कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही जेनरसली अच्छी क्वांटिटी में इसकी टेपिंग कर रहा हूँ, इससे मुझे ये इंश्योर होता है कि जो ये बॉक्स है वो बहुत ही स्टर्डी रहे, अच्छी तरीके से ये पेपर चिपक जाए और बेबी के लिए इसको फाड़ना उतना आसान ना हो, क्योंकि वो लोग रफ़ हैंडल डेफिनेटली करेंगे। अब बारी ऊपर और नीचे के पार्ट को चिपकाने की, तो ये पोर्शन जो है वो मैं उसी तरीके से टेपिंग करूँगा जिस तरीके से जो आप गिफ्ट्स देते हैं कभी बॉक्सेस में उसकी टेपिंग जिस तरीके से होती है उसी तरीके से इसको मैं टेप कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोसेस आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। ये नीचे वाला पार्ट मैंने टेप कर दिया है, एक लंबा सा टेप लेके इसके ऊपर लगा दिया, और अब ऊपर वाले पार्ट में इसकी टेपिंग है। उससे करने से पहले आप एक कैंची लेके हल्का सा आप ये काट लीजिए ताकि आपकी टेपिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। आपने कैंची से काट लिया और सबसे पहले साइड्स को अच्छी तरीके से टेप कर लिया जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और साइड्स टेप करने के बाद जो आपका ऊपर वाला, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड्स टेपिंग चल रही है, और साइड्स को टेप अच्छी तरह करने के बाद ऊपर वाला पैनल जो है वो हमने लिया और ऊपर वाले पैनल को भी अच्छे तरीके से हमने टेप कर लिया। यहाँ पे आपको यही प्रोसेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही प्रोसेस पूरे बॉक्स में आपको चलाना है ताकि आपका टेपिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। टेप डिस्पेंसर बहुत हैंडी आता है ये सब चीज़ें करने के लिए। अगर आपके पास टेप डिस्पेंसर नहीं है तो आपके पास अपना पार्टनर का सपोर्ट है, आप उनसे बोल सकते हैं कि छोटे छोटे टेप के पीसेस जो है वो काट के आपको दे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड जो है वो रेडी हो चुका है, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको मैं फेविकॉल और बिना फेविकॉल सिर्फ टेप से ये बॉक्स बनाना सिखाऊंगा, तो आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो बिना टेप के आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
आपको सेम चीज़ करनी है। एक अमेज़ॉन पेंट्री बॉक्स कवर करने के लिए हमने यूज़ किया है 3 गिफ्ट रैपिंग पेपर। तो ये गिफ्ट रैपिंग पेपर जो है आपको सिर्फ अपना टेप यूज़ करके, जिस तरीके से टेपिंग प्रोसेस मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया और समझाया, उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको ये गिफ्ट रैपिंग पेपर जो है ये बॉक्स के ऊपर चिपकाना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक ऐसा गिफ्ट रैपिंग पेपर है जिसमें पैटर्न्स बने हुए हैं और उसको एक ही साइड में फेस करना है, तो आप वो अच्छी तरीके से उसकी प्लेसमेंट देख लीजिए ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए। जैसे यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं वो एक ही साइड में है और एक ही तरफ डायरेक्शन में फेस करने चाहिए, तो मैंने इंश्योर किया कि वो उस तरीके से उसका लेआउट जो है मैं प्रॉपरली उसको दूँ। अगर आपके पास अमेज़ॉन पेंट्री के कार्डबोर्ड बॉक्सेस नहीं हैं, आपने अगर कभी ऑर्डर नहीं किया है वहाँ से सामान, तो आप आसपास कहीं से भी ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस अरेंज कर सकते हैं। आपका प्रोसेस जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस को टॉय बॉक्सेस में कन्वर्ट करने का है वो सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये लास्ट जो पेपर है गिफ्ट रैपिंग पेपर, वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और सेम प्रोसेस है, अच्छी तरीके से इसकी टेपिंग चल रही है और मैं बहुत ही जेनरसली अच्छी क्वांटिटी के साथ टेप यूज़ कर रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से रैप करने के लिए। ऊपर नीचे जो साइड्स में हमने छोड़ा हुआ है उसको भी अच्छी तरीके से टेपिंग चल रही है और ये आपका टेप बॉक्स जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। मैंने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पैटर्न ऑफ द गिफ्ट रैपिंग पेपर वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए, और लास्ट में जो फाइनल टच के लिए ये लंबा टेप मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सारे साइड्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि पेपर का कोई भी पार्ट जो है वो लूज़ ना रह जाए, लूज़ रहने से उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस चारों तरफ से टेपिंग होने के बाद जो आपका एक सिंपल अमेज़ॉन का प्लेन ब्लैंड पेंट्री बॉक्स था वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉय बॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है, जो बहुत ही गुड लुकिंग है और आपके घर में जब ये जगह लेगा आप वहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये आपके घर का लुक जो है वो ख़राब भी नहीं करेगा। तो कबीर के टॉयज़ जो हैं अभी हम 3 अमेज़ॉन पेंट्री बॉक्सेस में रखते हैं, जिसमें से एक मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया है और बाकी दो भी चुटकियों में मैं चेंज करके न्यू टॉय बॉक्सेस गिफ्ट रैपिंग पेपर के साथ मैं बना दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों बॉक्सेस जो है वो मेरे मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और ये बिल्कुल बन के रेडी है। तीनों बॉक्सेस हम लोग ऐसे साइड में रखते हैं सोफ़ा के, और कबीर के टॉयज़ आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी फैले हुए हैं। इन सारे टॉयज़ को हम इन तीनों बॉक्सेस के अंदर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अब तो जितने भी टॉयज़ हैं वो उनके डेजिग्नेटेड बॉक्सेस में रखने से क्या होगा कि आपको ढूंढना भी आसान होगा और उसको वापस संभाल के रखना भी आसान होगा। हम कबीर के टॉयज़ 3 सेक्शन में इस तरीके से रखते हैं। सबसे पहले सेक्शन में उसके सारे बॉल्स जाते हैं, उसके बाद दूसरे वाले सेक्शन में, दूसरे बॉक्स में उसके सारे छोटे छोटे टॉयज़, कार्स, रोबोट्स, ये सारी चीज़ें, और तीसरे बॉक्स में जो उसके बड़े बड़े टॉयज़ हैं जैसे ड्रम सेट हो गया, मेगा ब्लॉक्स हो गया, डॉगी हो गया, वो सारी चीज़ें रहते हैं। आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये 3 बॉक्सेस में कबीर के जितने भी टॉयज़ थे वो हमने रख दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी उसके टॉयज़ पहले बिखरे हुए थे जो मैंने आपको पहले दिखाया, तो वो सारा का सारा क्लीन हो गया है क्योंकि सारे टॉयज़ जो हैं वो इन बॉक्सेस के अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं अच्छी तरीके से। और ये बॉक्सेस हम इस तरीके से रखते हैं घर के अंदर, ये घर के लुक को और घर के डिज़ाइन को बिल्कुल ख़राब नहीं करता है, लग रहा है कि घर का ही एक पार्ट है। आपके बच्चे वाले घर में ऐसा टॉय बॉक्स दिखे तो आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। तो कबीर अपने नए टॉय बॉक्सेस को देख के बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो गया। जो ब्राउन कलर के अमेज़ॉन पेंट्री बॉक्सेस में टॉयज़ रखे हुए थे उसकी जगह एक नए डिज़ाइन अल्फ़ाबेट्स और एनिमल्स के साथ इस टॉय बॉक्स को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और कबीर अपने टॉय बॉक्सेस को रिकग्नाइज़ भी करता है, उसको पता है कि कौन सा टॉय कहाँ पे रहता है, वो आराम से वहाँ जाता है, उस टॉय को निकालता है, अपना खेलता है और मस्ती करता है और इधर उधर टॉय छोड़ देता है, जिसके बाद हम उसको कलेक्ट करते हैं और हमारा काम है कि वापस उसी तरीके से टॉय बॉक्सेस के अंदर डाल दें। तो कंटिन्यू करते हैं, कबीर को खेलने देते हैं और आप लोग ये वीडियो इन्जॉय करिए। अगर आपको पसंद आया ये पूरा तो आप लाइक डेफिनेटली करिए और आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।
डैडी लव यू, एक बार लव यू कर दो गब्बू, डैडा सैड हो रहे हैं, अब लव यू कर दो. लव यू, हाउ डू यू से लव यू टू डैडा?